पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सीतापुर में एक तांत्रिक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसमें इलाज के नाम पर किशोरी के साथ में हैवानियत की और उसके शरीर को अगरबत्ती से जला दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि किशोरी की बेड से जमकर पिटाई की है और बताया जा रहा है कि किशोरी अपने मौसी के यहाँ रिश्तेदारी में घूमने आई थी, जिसके बाद पेट में दर्द होने पर परिवार वाले किशोरी को एक तांत्रिक के पास ले गए, जहाँ पर तांत्रिक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को नहीं लगी। ये पूरा मामला रामपुर थाना इलाके के साहबगंज स्थित मजार का है। मौसी के यहाँ गई थी मिश्रित, वहीं पे इसकी तबीयत खराब हो गई, वो लोग इसको मजार पर लेकर आए। मजार कहाँ? साहबगंज इगरौली के पास। फिर क्या उन्होंने बताया, इस पर 11 आपके घर पूरे घर पर 11 लोगों पर भूत चुराए थे, इसको 11 दिन यहाँ रोकना पड़ेगा। अगरबत्ती से जलाया, बेल्टों से मारा, फिर क्या जब हमसे नहीं देखा गया तो हमने कहा हम इसको घर ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा हेमपुर में डॉक्टर आते हैं, उनसे हमने बात कर ली है, वहीं पे दिखा लो। तो हम कहें हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, हम कहीं बाहर दिखाएंगे, तो नाराज हो गए, ले जाओ फिर ले जाओ। और फिर बहुत नाराज़ हुए, फिर हमारे यहाँ साधु लड़का था, उससे हम कहने लगे कि भेजाओ चल के, उसको भी नहीं आने दिया, कहा तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा अगर भेजने जाओगे। तब हमने महेंद्र को बुलाया।